सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। नमो नमः आचार्य जी। आचार्य महोदय नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः श्वेता जी। नमो नमः। आपको मैं यही सोच रहा था मैसेज या फोन करके बताने का कि आप किसी भी कक्षा में आ सकती हैं, क्योंकि हर कक्षा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो और जी, मैंने ये लिंक देखा तो तुरंत ज्वाइन किया, मैं ही थी सबसे पहले। हाँ, बहुत बढ़िया। तो वही, कल भी आ जाती तो और आनंद आ जाता। कल का जो है आप वीडियो में देख लेंगी, आशा है। कल भी थी क्लास? शनिवार रविवार दोनों दिन होती है ना, आपको देखिए लिंक में दिखेगा अभी जो लिंक। मैंने जब आपसे पूछा था तो आपने मुझे वॉइस मैसेज में यही बताया था कि क्लास जो है वो मंगलवार को। मंगलवार को हम नया बैच चालू कर रहे हैं, वो एक अलग प्रकरण है। वो आपका, ज्योति जी का, मंजरी जी का, और भी कोई यदि आना चाहे, शायद आपने बोला था या ज्योति जी ने बोला था कि उनकी भी कुछ और एक दो मित्र हैं, वो भी आना चाहते हैं। तो वो मंगल और गुरुवार को हम शाम को 6:30 या 7 बोला है मैंने, 7 बोला है मेरे ख्याल से, मंगल और गुरु। तो वो हम आने वाले इसमें वो भी करेंगे। ओनली ऑन ट्यूजडेज मंगल एंड गुरु, मंगल और गुरुवार दोनों। अच्छा, ट्यूजडे एंड थर्सडे। कोई रेगुलर क्लास के लिए कुछ मतलब 5 days या कुछ ऐसा नहीं बन पाया अभी तक? मैंने जब बात की थी बाकियों से तो सब वो लोग भी यही बोले कि अल्टरनेट डेज उनको जम रहा है, मतलब जैसे एक दिन किया, फिर एक दिन छोड़ के, फिर एक दिन फिर से किया। तो हमने पहले, जैसे हम अभी ये सब सप्ताह अंत में जो करते हैं शनिवार रविवार वाले, उसकी जगह हमने सोचा कि 2 दिन जो है हम हफ्ते के बीच में कभी चुनते हैं, गुरु मंगल गुरु, तो बीच में 1-2 दिन जो खाली रहते हैं, एक एक दिन ही खाली रहता है बीच में, तो उसमें आप अभ्यास कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर कर सकते हैं एक दूसरे से। अरे श्वेता जी तो गायब ही हो गई, क्या हुआ? नमो नमः राधिका जी। नमन नमः। हेलो, नमन नमः। सुनाई दे रहा है ना राधिका जी? हाँ हाँ, बिल्कुल दे रहा। नमन नमः। नमो नमः श्वेता जी, पुनः स्वागतम। आप क्या बोल रहे थे मंगलवार को? मैं बोल रहा था कि मंगल और गुरु, जब मैंने पिछली बार बात की थी ज्योति जी से और भी एक किसी से की थी, तो वो बोले कि अल्टरनेट डेज उनको भी सूट करता है, जैसे एक दिन किया, अगले दिन खाली, फिर अगले दिन फिर से किया, फिर अगले दिन खाली, तो ऐसे। तो मंगल और गुरु अच्छे दिन पड़ रहे हैं और वो अल्टरनेट भी हो रहा है। और बाकी एक और ये भी है कि जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये दिनों में बच्चों की कक्षाएं भी होती हैं, छोटे बच्चों की, तो फिर इसलिए मैंने तो उन्हें भी तो यही पढ़ाया जाता है, संस्कृत ही ना। हाँ, उनको भी यही पढ़ाते हैं, पर उनको थोड़ा अलग तरह से पढ़ाना पड़ता है, उनके लिए शिक्षण थोड़ा अलग तरह का है, जैसे उनको एक एक चीज 10-10 बार में उच्चारण करके करवाना पड़ता है, फिर एक एक अक्षर की भी अभी प्रैक्टिस अभ्यास करवा रहे हैं, तो उनका लेवल थोड़ा अलग है क्योंकि छोटे बच्चे है ना। हम लोगों ने तो विद्यालय में कभी ना कभी देखा है, और हम सबको देवनागरी लिपि भी पता है, तो हम काफी सारी चीजें जल्दी पहचान लेते हैं, तो हमको वो बेसिक, उतना बेसिक लेवल का अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। मतलब मैं सिर्फ यही जानना चाह रही थी, अगर कभी 3-4 days भी होता है तो मतलब मैं उसमें काफी इंटरेस्टेड हूँ, अगर कभी बढ़ता है बैच। हाँ, करेंगे, मतलब कर सकते हैं। हाँ, जैसे जैसे मतलब होगा, एक दिन करने के बाद ही मैं कब से काफी मिस कर रही हूँ कि दोबारा क्यों नहीं हुआ, दोबारा क्यों नहीं हुआ, एक ही दिन करके। हाँ, तो आपने बीच के, पीछे के जो भी 1-2 छूटे होंगे, उसके वीडियोस
आप फॉलो करती रहिए ताकि बीच में जो भी जी, हुआ है वो पता चल जाएगा आपको। तो उसके और लिंक आप भेजते हैं क्या इसी में? हाँ, जैसे कल शाम को जो हुआ 4 बजे, उसका मैंने आज सुबह लिंक भेज दिया था, आपको जी मैं चेक दिखेगा कर भी। लूंगी, मैं देख लूंगी वीडियो। हाँ, और ओके हफ्ते में एक दो हफ्ते में एक बार मैं पूरी की पूरी क्रोनोलॉजिकल लिंक भी भेजता हूँ। तो वो एक प्लेलिस्ट है जिसमें आज तक के जितने इस बैच के वीडियोस हुए हैं वो सारे के सारे हैं, लाइन से जी पहले से जी लेके आज तक के सब। तो वो भी देख सकते हैं, जो जो देखने का मैंने देख सकते हैं, पिछले हफ्ते का भी रहेगा और ये पूरा क्रोनोलॉजिकल तारीख के अनुसार भी रहेगा। ठीक। ठीक है, चलिए। तो अब मैं मम जवनी का शेयर करूंगी। शेयर के लिए एक शब्द है, सहाय होता है, पर एक बार हम शब्दकोश में इसको पक्का कर लेते हैं। तो ये शब्दकोश अभी मिश्रा जी और राधिका जी ने तो मुझे बता दिया था, तो हम लोगों ने ऑर्डर करवा दिए हैं उनके। ये आपको दिख रहे हैं, देखिए वीडियो में। हाँ दिख रहे हैं। हाँ, तो एक है आंग्ल संस्कृत शब्दकोश, हाँ इंग्लिश से संस्कृत, और दूसरा है हिंदी संस्कृत शब्दकोश। तो दोनों बहुत उपयोगी हैं। मैं अधिकतर सबके लिए ये दोनों ही ऑर्डर करता हूँ। और भी कुछ पुस्तकें हैं, तो राधिका जी और मिश्रा जी दोनों ने एक पूरा का पूरा बंडल ही ऑर्डर करवाया है। उसमें लगभग 7 पुस्तकें हैं और 350 रुपये के आसपास का कुल पूरे बंडल का मूल्य है। उसमें 7 लगभग पुस्तकें हैं और सारी इतनी बहुत ही उपयोगी पुस्तकें हैं, उनमें ये शब्दकोश भी ठीक हैं। है, मैं भी बता दूंगी, मुझे मैं कब पेमेंट कर रही हूँ, मैं भी अगर आप करवा सकें तो आप करवा दीजिएगा। हाँ, आप मुझे पेमेंट की डिटेल और अपना पता ठिकाना, मतलब पिन कोड विन कोड के साथ सब हाँ भेज हाँ दीजिए, ठीक तो ठीक वो प्राइवेट डायरेक्ट मैसेज में भेज दीजिएगा, पता ग्रुप में भेजने की आवश्यकता नहीं है, तो हम वो कर देंगे। और इसमें एक और पुस्तक आती है, ये वाली, ये सारी संस्कृत भारती की हैं। आप खुद चाहें तो खुद भी ऑर्डर कर सकती हैं, पर मैं उसमें असल में कम से कम 200 से ज्यादा पुस्तकें हैं और सारी एक से एक हैं। तो अब अभी शुरुआत के लिए, किला। हाँ शुरुआत के लिए कौन कौन सी उपयोगी हैं या ठीक हैं, तो वो मैं इसलिए मैं वो चुन के, मुझे पता है कि कौन कौन सी करनी है, तो इसलिए मैं शुरू में ही चुन चुन के वो भिजवा देता हूँ। तो जैसे एक ये भी है, ये भी आपके इसमें आएगी, ये देखिए, ये एक मिनट देखते हैं। हाँ, अभी देखो, अब दिख रहा होगा, संस्कृत व्यवहार सहस्त्री, ये पीली वाली जो है। तो इसमें क्या है, एक सहस्त्र मतलब 1,000 वाक्य हैं। असल में हमको 1,000 शब्द उपयोग करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि 1,000 उर्दू है, तो बहुत ही कुछ और याद ना आ रहा हो तो कर सकते हैं, पर अन्यथा सहस्त्र शब्द हिंदी में भी होता है, संस्कृत में भी होता है, 1,000, 1,000। इससे मतलब इतना एक एनफ होता है? क्या इनफ होता है श्वेता जी? 1000 वर्ड की डिक्शनरी। ये 1,000 वर्ड्स नहीं, ये वाली जो पुस्तक है ये 1,000 सेंटेंसेस है। तो मतलब संस्कृत जी में बहुत कॉमनली उपयोग होने वाले और बहु उपयोगी 1,000 वाक्य इसमें दिए हुए हैं, उस तरह की पुस्तक है। जैसे कि हमको कभी कभी ऐसा लगता है ना, एक बार जल्दी से 10-15 और नए वाक्य सीख लें, ऐसा कभी लगता है, तो जी वो जी उसके लिए है कि कभी हमको बड़ी उत्कंठा हुई कि चलो आज संस्कृत में 4-5 नई चीजें खुद से सीख के देखते हैं। और उसी तरह से ये संस्कृतम वदतु भी है, ये बहुत छोटी सी पुस्तिका है, मतलब ये लगभग 30 पन्ने की है, छुटकू सी है, किसी को भी हम उपहार भी दे सकते हैं। और इसका मूल्य जो है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, सिर्फ 5 रुपए की है। मैंने भी इस टाइप की बहुत सारी परचेज की हुई है। हाँ, तो संस्कृतम वदतु, हम क्या करते हैं, हम हर ऑर्डर के साथ 4-5 ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि 5 ही रुपए की है, तो 20-25 रुपए में भी 4-5 आ जाती हैं।
तो फिर हम किसी को भी उपहार देना है, किसी को रुचि है संस्कृत में, तो हम फिर देते रहते हैं इसी ऐसे। पर्पस से मैंने भी इसी पर्पस से ली थी। हाँ, बहुत ही बढ़िया है। तो हम जब वो ऑर्डर करते हैं तो उसमें एक दो, जैसे 5 रुपए बच गए कुछ ऑर्डर करते करते, कभी कभी शिपिंग थोड़ी कम लेते हैं वो लोग, तो फिर हम ये एक दो ऐड कर देते हैं ताकि वो पूरा ऑर्डर भी अच्छे से आ जाए और एक दो एक्स्ट्रा ये भी हो जाती है। तो अब मैं वीडियो फिर से बंद करता हूँ। मोहम्मद जवानी का, अब मैंने शेयर के लिए यहाँ पे खोला था ये शब्दकोश, एक बार देख अंशु लेते हैं हम। महोदय, हाँ बोलिए राधिका जी। हमारा वो ऑर्डर कब तक आएगा? मतलब ताकि मैंने 1 हफ्ता एस्टिमेट किया था, 1 वीक, और मुझे वहां ओके। से फोन कॉल तो अगले दिन ही आ गया था। मतलब जब मैंने ऑर्डर हाँ किया था तो मुझे फोन आ गया था, वो पिन कोड कंफर्म करने के लिए आया था एक बार, तो उन्होंने हाँ भेज तो लग अगले दिन ही दिया होगा। अब आजकल पोस्टल सर्विस में कितना एग्जैक्ट टाइम लग रहा है, हाँ धीरे 7 दिन तो 8 दिन, चल रहा तो उसके है। अनुसार आ जाएगा। कहाँ से आ रहा है ये? पुना से कि एक आएगा बेंगलुरु से, असल में दो स्प्लिट ऑर्डर्स हैं, कुछ पुस्तकें संस्कृत भारती की हैं और कुछ हैं विश्वविद्यालय प्रकाशन की। तो उसमें से कुछ पोर्शन दिल्ली से आ सकता है, कुछ पोर्शन बेंगलुरु से आ सकता है, और आप तो दिल्ली में रहती हैं पर फिर भी वो आपके हाँ घर में अलग से ही आएगा, उठा के नहीं उठा उठाने नहीं जा हाँ सकते। हाँ ओके ठीक है, चलिए। तो मेरा मोहम्मद जवानी का एक मिनट, तो मेरा स्क्रीन जब आपको दिखेगा तो बोलिएगा। स्क्रीन शुरू हो गया है, बताइए स्क्रीन दिखा गया? नहीं, अभी तो नहीं। हाँ अब ठीक श्यामी तो सर्वप्रथम हम ओम का उच्चारण कर लेते हैं। ओम के उच्चारण से हमेशा हमारे अंदर ऊर्जा का संचार जैसा होना चाहिए, जैसा ऋषि मुनि लोगों ने पाया था कि इस तरह से ऊर्जा का संचार हो तो हम में बढ़िया शक्ति बनी रहती है, हर तरह की शक्ति, और वो सिर्फ भौतिक शक्ति नहीं है, वो मन की शक्ति, तन की शक्ति, सब कुछ है। तो अब हम आंखें बंद कर लेते हैं और किसी को भी एक बार इस मेरी जवनिका पे देखना है कि ओम के उच्चारण से किस तरह से ऊर्जा किधर से किधर जाती है, तो वो यहाँ पे जवनिका मीन्स जवनिका मीन्स स्क्रीन या स्क्रीन। पर्दा। ओके, यवनिका और जवनिका। दोनों बोलते हैं, जवनिका जवनी का भी चलता है, यवनी का भी चलता है। ओके। चलिए, तो अब आंखें बंद करते हैं और जब हम ओम का उच्चारण करेंगे, अ उ और म, तीनों अक्षरों का उच्चारण हमको अपने अंदर अलग-अलग समझ में आना चाहिए, और किधर से निकल रहा है वो बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आराम से ओम उच्चारण कीजिए और जितनी लंबी श्वास हो सकती है उतना कीजिए, हर किसी की श्वास अलग अलग होती है तो अपने अपने अनुसार कर सकते हैं।
चलिए अब 1 मिनट लगभग हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अभी पहले हम ओम का उच्चारण करने के बाद 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, जितना भी लगे, पर कुछ जब हम आंखें धीरे धीरे खोलते हैं तो वो जो ऊर्जा का संचार है वो हमको अनुभव होता है, तो उसको थोड़ा सा, सिर्फ वो 2 सेकंड, 5 सेकंड, जितनी भी देर हो सके वो ऊर्जा को अनुभव करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमेशा के लिए, ये सिर्फ आज के लिए नहीं। तो अब हम फिर से एक बार पुनरावृत्ति करेंगे और इस बार बिना देखे करेंगे, आज हम बिना देखे करेंगे। तो मैं उस जवनिका पर नहीं जा रहा हूँ, पहले हम पुनरावृत्ति करते हैं बोल के और फिर देखेंगे, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम लिखा हुआ भी देख लेंगे। तो प्रश्नोत्तर चालू करते हैं आपस में, तो मैं आप में से किसी भी एक से पूछूंगा, फिर आप जिससे भी मैंने पूछा है आप उत्तर देंगे और फिर अगले से पूछेंगे उसी तरह का प्रश्न, ठीक है? आप किसी को भी चुन सकते हैं और अंत में आप जिसके भी पास अंतिम प्रश्न आया वो उत्तर देने के बाद वापस मुझसे वो प्रश्न कर सकता है, तो उस तरह से वो चक्र पूरा हो जाएगा। तो परिचय का छोटा सा भाग है ये। मम नाम अंशु, अहम संस्कृतम पठामि, भवत्याः नाम किम्? श्वेता महोदया। मम नाम श्वेता, अहम संस्कृतम पठामि। प्रश्न पृच्छतु। भवतः नाम किम् मिश्रा जी? मम नाम डीएस मिश्रा, अहम संस्कृतम पठामि वदामि लिखामि। भवत्याः नाम किम् राधिका महोदया? मम नाम राधिका। भवना अभी मैं किसको पूछूं, सब लोगों का तो हो गया। हाँ, आप मुझसे अंत में पूछ सकती हैं, पर आप नाम बताने के बाद क्या कर रही हैं वो भी तो बताना है। तो मम नाम राधिका, उन्होंने तो सिर्फ, हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि उन्होंने नाम पूछा तो नाम बताया। नाम तो पूछा। भवना क्या किम करोति? किम करोसि? मम संस्कृत पठामि। हाँ, तो मम मतलब मेरा है ना, मेरा, ओ मम नहीं, मैं वो देख रही हूँ एक्चुअली, मुझे उतना ये नहीं है अभी। हाँ, चलेगा चलेगा। और वैसे मैंने अभी अहम अहम अहम
नहीं, मेरा जो लिखा है उसमें ढूंढ रही हूँ एक्चुअली. अहम अहम संस्कृत भाषा बोल. आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हुई, फिर से एक बार बोलिए. अहम संस्कृत भाषा. राधिका जी, आपकी आवाज ब्रेक ही होती जा रही है. मिश्रा जी, आपको आ रही है क्या राधिका जी की आवाज? नहीं, सर टूट रही है नहीं ना, आ टूट रही रही है थोड़ी. हाँ, संस्कृत भाषा. प्रैक्टिस बड़ामी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बात करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोला था मुझे. अभ्यासम करोमि, तो प्रैक्टिस के लिए अभ्यास. अहम संस्कृतम अभ्यासम करोमि. हाँ, तो अभ्यासम. बोलने का संस्कृतम, बोलने को क्या बोलेंगे, संस्कृत बोलने का अभ्यास. वो बदामी थोड़ा लंबा हो, लंबा इसलिए हो जाएगा क्योंकि वदामी बोलने के लिए तो हम बोलते हैं, लेकिन आप बोलना चाहती हैं हम, मैं संस्कृत बोलने का, तो अब उसमें वदामी सीधे नहीं लग सकता. जी. वदतुम वो एक अलग रूप है जो हम बहुत, हाँ वो हाँ बहुत आगे की बात है. तो अभी हम, तो ऐसे सेंटेंस क्या रहता है वैसे, वो आप मतलब एक बार खुद से तो बोलकर बता दीजिए. संस्कृत अभी भाषा. मैं हाँ बोलिए. तो पहले एक मिनट राधिका जी को पूरा कर लेने दीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं. जी, हाँ अभी राधिका, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप अभी बहुत ही अच्छी दे रही बहुत हैं. जोर से. ओके. अहम संस्कृत भाषा भाषा बदामी अभ्यास करोति करोमि. करोमि. हाँ, ये वाली तालिका आपको याद है ना, उत्तम पुरुष में हम अहम के साथ हमेशा आमी वाला यूज करते हैं. पठामी, वदामी, करोमी, हाँ अलग अलग जो क्रियाएं हैं उसमें अंत में मी लगेगा, पक्का ये लगेगा. कैसे ओके. पता चलेगा हाँ कि हमें कर कर के लिए करोमी लगाना है या करामी लगाना है? वो अभ्यास है. तो अभी जैसे पठ के यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, पठती, पठता, पठंती, वैसे ही हम कुरु जो क्रिया है करने के लिए जो होती है, आज उसके भी लिख लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा. ये थोड़े कॉमन होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं, इसलिए हम उनको अभी अभी देख लेंगे, पर वो धीरे धीरे अभ्यास से आता है. जैसे पठ, लिख, वद, इन सबके लगभग एक जैसे होते हैं, इनके सबके करोति एक ही करोथा जैसे होते करोति हैं, करोषि लेकिन करोथा करोथा करामे कुरुभ कुर्मः. हाँ, लेकिन कुरु के जो है अलग तरह से होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं, तो हम उनको भी लिख के देख लेते हैं, तो उसका भी अभ्यास हो जाएगा. और ये सब धीरे धीरे अभ्यास से ही समझ में आएगा, जैसे जैसे हम उदाहरण देखते हैं अपनी पुस्तकों में, या बच्चों की पुस्तकों में, या किसी शब्दकोश में, कभी किसी समाचार पत्र में दिख जाता है, तो धीरे धीरे समझ में आता है कि अच्छा, कुरु के लिए ऐसे चलता है, पठ के लिए ऐसे चलता है, लिख के लिए कैसे चलता है. ठीक है, तो भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति श्वेता महोदया? हेलो. हाँ, श्वेता महोदया का परिचय अभी शायद पहले पूरा नहीं हुआ, बाकी लोगों के साथ नहीं हुआ है, तो हम वैसा परिचय भी आज कर लेते हैं. अभी जैसे हमने नाम और क्या कर रहे हैं वो तो बता दिया, अब मैं फिर से एक वाक्य चालू करता हूँ. अहम अंशु, या फिर मम नाम अंशु, अहम पुणे नगरे वसामि. यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अहम पुणे नगरे, और हम नगरे इसलिए लगा देते हैं ताकि शहर के नाम में चाहे ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे आ हो, कुछ भी हो, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा. नगरे जो है वो उसकी,
उसका सही रूप बना देता है, मतलब जिस तरह से उपयोग होना है, क्योंकि हम बोलना चाहते हैं मैं पुणे नगर में रहता हूँ, तो जो में वाला जो एक्सप्रेशन है वो इसमें पहले से कवर्ड है। ये लगभग दुनिया की बहुत कम भाषाओं में ऐसा होता है कि जो मूल शब्द है उसी में एक मात्रा बदलने से उस शब्द का उसमें जो सहायक शब्द उपयोग करने हैं वो उसी में आ जाते हैं, उसी में समाहित हो जाते हैं। तो अहम पुणे नगरे वसामि। भवती कुत्र वसती श्वेता महोदया? सॉरी सॉरी, बीच में कॉल आ गया था, ये फोन से ही कनेक्टेड हूँ मैं। अच्छा, तो आपको शायद सुनाई नहीं आया होगा फिर अभी जो हमने बोला। हाँ, 2-3 मिनट का कॉल था शायद। अच्छा, तो मैं अभी वही थी, मैं आपसे पूछ रही थी अहम संस्कृतम वदन्तु अभ्यासम करोमि, ये लिखने हैं हमें? नहीं, वदतुम, वदतुम अभ्यास करा, वदतुम अभ्यास, अभ्यास करामि। अहम संस्कृतम वदतुम अभ्यासम करोमि। हाँ, तो वदतुम का अर्थ है, वदतुम का अर्थ है बोलने का। अभ्यासम होगा या अभ्यास होगा? अभ्यास जो है वो मुझे लगता है कि पुल्लिंग है, मैं एक बार शब्दकोश में पक्का कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ शब्द हमको हिंदी में ऐसा लगता है या अपनी भाषा में ऐसा लगता है कि वो नपुंसकलिंग है, जैसे अभ्यास, पर संस्कृत के अनुसार उनका जो लिंग है वो अलग हो। वो बालक की कैसे भाषा होगा? बालक बालक को बालक अभ्यास होगा, भाषा भाषा। हाँ, मुझे लगता है कि पुल्लिंग हो सकता है अभ्यास का, एक बार तो पक्का कर लेते हैं इसमें शब्दकोश में। हाँ, अभ्यास पुल्लिंग है, तो अभ्यासम की जगह अभ्यास करोमि करोमि। तो अहम संस्कृतम वदतुम अभ्यास करोमि। संस्कृतम वदतुम, तो कोई भी क्रिया में यदि हम अंत में तुम लगाने लगे, पठतुम, लिखतुम, वदतुम, जो अभी अभी हमने उपयोग किया, तो उसका मतलब है वो करने का, तो लिखने का, पढ़ने का, बोलने का, इस तरह का वो एक्सप्रेशन है, इस तरह की उपयोग है। तो जब कभी किसी वाक्य में वैसा उपयोग आवश्यक होता है तब हम वो बोल सकते हैं, अभी के लिए वो बहुत एडवांस चीज है तो इसलिए हम उस पर नहीं रुकेंगे। ये आपने अचानक से पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, पर उसको अभी हम अभ्यास अभी नहीं करेंगे क्योंकि बाकी लोगों के लिए जी, फिर मतलब थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो हम आराम से चलते हैं। भवत्याः गृह कुत्र अस्ति श्वेता महोदया? जी, भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं हैदराबाद नगरे अस्ति। उत्तमम्, ये एक बार हुआ था पढ़ाई लगभग। भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति राधिका जी? मम गृह दिल्ली नगरे अस्मि। अस्ति 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 अस्ति, हाँ, दिल्ली नगरे अस्ति। नगरे कुत्र अस्ति? दिल्ली नगरे हौसकास नगरे अस्ति। हौसकास क्षेत्रे? क्षेत्रे, हाँ, करेक्ट करेक्ट, क्षेत्रे दिल्ली नगरे हौसकास क्षेत्रे अस्ति। उत्तम। अच्छा को कैसे बोलेंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। उत्तम 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 नहीं, उत्तमम जो है वो अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, लेकिन हम जब सिर्फ ठीक है ऐसा बोलना चाहते हैं तो वो अस्तु है। अस्तु अस्तु, ठीक है ठीक है, एक ही बात। हाँ, कितनी बार बोल सकते हैं, जैसा हम हिंदी में उपयोग करते हैं वैसे ही आप संस्कृत में कर सकते हैं, अस्तु अस्तु ऐसे भी बोल सकते हैं। आम आम किस लिए बोलते हैं? आम आम मतलब हाँ हाँ, ओके। राधिका महोदय, मूलतः भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? मूलतः
मतलब बुलत हेलो बुलत बुलत मतलब समझ में नहीं आया ओरिजिनली मूलतः एक मिनट वो शब्द हम यहाँ पे देख लेते हैं मूलतः मूलतः मम मूलतः कर्नाटक स्टेट को राष्ट्र नहीं स्टेट को क्या बोलते हैं राज्य राज्य कर्नाटक प्रदेश या राज्य कर्नाटक प्रदेश प्रदेशे प्रदेशे हुबली नगरे अस्ति उत्तमम बहु उत्तमम उत्तमम ऐसे कैसे बोलेंगे मतलब जैसे बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली वही है ना मूलतः मूलतः होता है ना मूलतः तो वो ये फ्रॉम के लिए मामा गृह लगाया वो मुझे समझ नहीं आया मूलतः मामा गृह दिल्ली नगरे अस्ति अधुना अहम हैदराबाद नगरे बसामि फ्रॉम आपको हर जगह आवश्यक नहीं है क्योंकि जो उपयोग करना आसान है हम उसको उपयोग करते हैं हम हर चीज में विभक्तियां लगाने की नहीं कोशिश करते ठीक है जैसे हम मुंबई मान लीजिए आप मुंबई में रहते हैं तो अब मुंबई जो है इकारांत शब्द है अब उस इकारांत की विभक्तियां अलग होती हैं उकारांत की अलग होती हैं दिल्ली जैसे इकारांत है वो भी मुंबई और दिल्ली दोनों मिलते जुलते हैं तो उसी में यदि हम कोशिश करते कि मुंबई में या दिल्ली में ऐसा बोलना है तो इकारांत की सप्तमी जो में वाला एक्सप्रेशन है वो सप्तमी होती है अभी हम वो नहीं सीख रहे हम मैं थोड़ी एडवांस चीज बता रहा हूँ पर अभी आसान मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये अधिक उपयोगी भी है और ये ज्यादातर लोगों के समझ में भी आने लायक है तो हम कॉम्प्लेक्स जटिल चीजें सीखना ही नहीं मतलब सिर्फ कहीं पुस्तक में लिखा मिल रहा है तो उसके लिए अवेयरनेस के लिए हम बाद में सीखेंगे पर नगर जब भी हमको बताना है अपना हम कहाँ से है कहाँ पे रहते हैं कहाँ पे काम करते हैं तो नगरे यदि आपने साथ में लगा दिया ना तो वो बहुत आसान हो जाता है क्योंकि फिर कोई भी नगर हो किसी भी अक्षर पे वो अंत होता है उसका नाम नगरे लगा दिया तो वो विभक्ति उसमें कवर हो गई तो ऐसे बोलेंगे कि मूलतः अहम सॉरी मम गृहम दिल्ली नगरे अस्ति अधुना मम गृहम हैदराबाद नगरे अस्ति अधुना अहम हैदराबाद नगरे बसामि नहीं दोनों चलेगा वसामि यदि बोलना है तो वो अहम है अहम वसामि वो अलग उपयोग और जो श्वेता जी ने बोला था वो भी सही बोला था कि मम गृहम हैदराबाद नगरे अस्ति वो भी सही है कि मेरा घर हैदराबाद नगर में है बट मैं बोलना वही चाह रही थी जो मिश्रा जी ने बोला सेंटेंस मेरा सेंटेंस बोलना मतलब मैं ये चाह रही थी लेकिन इसके लिए मुझे बोलना नहीं अच्छा अच्छा तो आपको जब मैं बोलना है तो हम बोलेंगे और फिर उसमें अंत में अस्मि लग जाएगा ठीक है और जब गृहम की बात हो रही है तो फिर गृहम अस्ति हो जाता है क्योंकि वो तो नपुंसक लिंग है चलिए बढ़िया है उत्तमम परंतु के लिए परंतु ही लगता है हाँ परंतु के लिए परंतु ही लगता है श्वेता महोदय आपका नाम श्वेता महोदय बा हाँ? तो आपने तो खिचड़ी पका दी आपका नाम हिंदी में भी आ गया और संस्कृत में भी आ गया आजकल के लिए क्या यूज करते हैं आज आज परंतु आजकल आज अद्य कल आजकल अलग से उपयोग नहीं आजकल हिंदी का एक स्लैंग है मतलब एक रफ जी. हिंदी का उपयोग है तो उसी को लिटरली हम नहीं अनुवाद करते संस्कृत में आप अद्य मतलब आज या फिर अधुना मतलब अभी जो इदानीम या अधुना बोलते हैं दोनों उपयोग कर सकते हैं वाह सर पूछ लीजिए सर भगवतः नाम राम बा जो पढ़े थे हाँ वाह वाले पूछ लेते हैं किसी भी वाक्य के अंत में हम जब भी वाह लगा देते हैं ये जो वाह दिख रहा है आपको मेरी जवनिका पे तो वो अपने आप प्रश्नवाचक हो जाता है ठीक है तो अब हम फिर से एक बार प्रश्नोत्तर कर एक चक्र चलाते हैं और एक मुझे और एक प्रश्न का चाहिए था आपको बोलना है तो कैसे बोलना है जैसे आप है तो
भवान या भवती होता है, आपका बोले तो भवतः या भवत्याः होता है, आपको बोलना है तो क्या होता है? आपको जो है वो अभी थोड़ा एडवांस हो जाएगा, तो अभी रुक जाइए उसके लिए, जो जो हम पहले सीख रहे हैं पहले हम उसी का अभ्यास कर लें, तो थोड़ी एडवांस ही से बाद में और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मैं लिख रही थी ना तो इसलिए वो एक इसमें आ रहा था तो इसलिए पूछा। अच्छा नहीं देखिए अभी हमने एक दो यहाँ पे आपको याद होगा कि ये हमने चार पांच चीजें लिखी थी जो काफी काफी प्रयोग में आती हैं संस्कृत भाषा में, भवान भवती आप है और भवतः भवत्याः आपका है, ठीक है आपका है हाँ। और इसी ये मध्यम पुरुष है, इसी तरह यहाँ हमने बीच वाली लाइन में उत्तम पुरुष में अहम और मम भी लिखा, तो ये बिल्कुल उसी तरह का उपयोग है कि जब हमको आप बोलना है तो भवान भक्ति, मैं बोलना है तो अहम, हाँ। उसी प्रकार आपका में भवतः भवत्याः और मेरा में मम, अभी अभी आप लोगों ने वाक्यों में भी उपयोग किया, ठीक है। और ये अंतिम जो कॉलम है यहाँ पे ये मध्यम पुरुष ये भी है, ये इनफॉर्मल है, मतलब इसमें सम्मान के साथ नहीं है, जो हम बराबर वालों के साथ या छोटों के साथ ऐसा उपयोग कर सकते हैं, त्वम और तव, मतलब तुम या तुम्हारा, तव जो है तुम्हारा है। ठीक है, तो अब हम वो जो कुरु करके एक क्रिया अभी बात हुई थी, हम उसके भी यहाँ पे एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों पुरुषों में लिख लेते हैं, तो अब हमको आज वो एक नई चीज हो जाएगी और इस पृष्ठ पे बाद में आएंगे इसके बाद। कल ये सब हुआ था, कल भी बड़ा आनंदमयी दिन था जब हमने एक वचन द्विवचन बहुवचन कुछ और शब्दों के भी देखे, जैसे वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, वृक्ष का देखा और ये सर्वनाम, सर्वनामों का हमने कल अध्ययन किया था कि यदि संज्ञा हम नहीं देख रहे तो संज्ञा की जगह वो ऐसे बोलते हैं ना, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रही है, ये कहाँ पे दिख रहा है आपको? ए वाले जितने हैं वो पास में है, पास में है हाँ। अपने हाथों की दूरी के अंदर यदि है तो वो एतत है, तो जैसे मैं वीडियो में अभी आपको पूछता हूँ तो आपको ध्यान में आएगा। और राधिका महोदया एतत किम? तत पुस्तके अस्ति। पुस्तके कहाँ से आ गया? पुस्तके मतलब पुस्तक में, पुस्तक नहीं, पुस्तक अस्ति, पुस्तक अस्ति हाँ, और पुस्तक जो है नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंगों के अंत में अधिकतर अम लगता है, तो पुस्तकम, तत पुस्तकम, तत पुस्तकम अस्ति हाँ। और अस्ति के बिना भी आप इस छोटे वाक्य को बोल सकती हैं, तत पुस्तकम, तत पुस्तकम ओके हाँ। तो अब हम कुरु शब्द के एक बार रूप यहाँ पे लिखते हैं, मैं एक नया पेज जोड़ लेता हूँ। तो अभी अभी आप लोगों ने पूछा भी था, तो एक बार एक नई क्रिया का रूप हम देख लेंगे, कुरु। और संस्कृत में क्रियाओं को धातु भी कहते हैं। अरे कुरु धातु होगा या कुरु धातु होगा क्या? सर एक कुरु होता है ना धातु।
सर्वेशम नमो नमः, नमो नमः, सर्वेशम नमो नमः। हाँ, तो मिश्रा जी ने सही ध्यान दिलाया कि कृ धातु है, जो इसका मूल धातु है, मूल शब्द जो है कृ है, करना। ठीक है। अब कुरु जो मैंने लिखा था वो एक आज्ञावाचक शब्द है, जो मैं एक मिनट बाद में बताऊंगा। इसको अभी हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं ताकि भूल ना जाए। पर अभी पहले हम इसके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों देख लेते हैं, तो आपको कई वाक्यों में इसका बहुत काफी प्रयोग होता है, तो पता चल रहा है, अभी से पता चल रहा है तो अच्छा है। एक वचन, एक वचन को पूरा लिख देते हैं, बाकियों को थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। द्विवचन और बहुवचन। श्वेता जी, वो आप ही थी जो मुझसे ये, जो मैं ये नेचुरल लिखता हूँ, ये आप पूछना चाहती थी कि ये कैसे लिखते हैं? जी, मैंने कहा भी था कि मैं फोन करूंगी, पर मैं कर नहीं पाई। हाँ हाँ, ठीक है, आप कभी भी जब भी आपको आवश्यकता हो पता लगा सकती हैं। तो ठीक है, तो कृ जो धातु है इसका हम पहले प्रथम पुरुष देखते हैं, मतलब तीसरा मनुष्य, न मैं न आप, सामने वाला भी नहीं और मैं खुद भी नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे है उत्तम पुरुष में और मध्यम पुरुष में तुम है, तो प्रथम पुरुष में वो या वह, ठीक है। तो अब हम देखते तो हैं, आप किसमें होगा, आप शब्द? आप तो भवान भवती है ही ना पहले से, वो तो अलग ही है, उसका उपयोग ही अलग है। जो आप वाला उपयोग है वो प्रथम पुरुष की तरह ही चलता है, तो भवती भव, भव और भवान जब हम उपयोग करते हैं तो उसमें हालांकि वो मध्यम पुरुष जैसा सुनाई आता है, मतलब क्योंकि हम अपने सामने वाले से बात कर रहे हैं तो आप जो है हमारे सामने ही है, लेकिन उसकी जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष के जैसी चलती है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि वो एक ही है, उसकी भी क्रियाएं इसी के जैसी चलती हैं, प्रथम पुरुष जैसे, ठीक है। तो एक मिनट, थोड़ी सी जगह बना देते हैं ताकि यहाँ पे उदाहरण के साथ लिखते जाएंगे। सह करोति, तो करोति जो है ये है क्रिया प्रथम पुरुष में, सो करोति, और द्विवचन से ये कुरु के फॉर्म में आ जाता है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो यहाँ पे सह मैंने पुल्लिंग वाला लिखा, अभी यहाँ पे द्विवचन में हम स्त्रीलिंग वाला ले लेते हैं, तो स्त्रीलिंग में द्विवचन क्या होता है, किसी को याद है? सा करो कुरुता द्वि द्विवचन ते ते होता है। हाँ, तो ते कुरुतः ये स्त्रीलिंग है, असल में हम दोनों के दोनों लिखते जाते हैं तो वो ज्यादा आसान होगा, तो दोनों ही दिख जाएंगे तो कंफ्यूजन भी नहीं होगी। सह तौ ते, तो सह तौ कुरुतः, और स्त्रीलिंग यदि है तो
ते कुरुतः ते कुर्वन्ति, ये पुल्लिंग में बहुवचन है, मतलब वो सब करते हैं, और वे सब करती हैं, ताह कुर्वन्ति, तो ये समझा प्रथम पुरुष में। दे डू, ही और शी डज, अब हम मध्यम पुरुष देखते हैं, ये समझा करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो करोति जो है सीधा सीधा है, जैसे हम पठती या लिखती में उपयोग करते हैं वैसे ही करोति, लेकिन द्विवचन और बहुवचन जो है उसमें कुरुतः कुर्वन्ति, तो कुरु का उपयोग होता है, करोतः नहीं होता, तो थोड़ा सा अंतर है बाकी क्रियाओं से, और कुरु वाली क्रिया में थोड़ा अंतर है, क्योंकि पठ लिख वद इनकी जो क्रिया है जो हमने पहले भी देखी है वो थोड़ी सीधी सीधी चलती है, उसमें हर वचन के साथ मूल शब्द बदलता नहीं है, पर इसमें बदलता है, कुरु में बदलता है, पर थोड़ा ही बदलता है, एक कुरुबंती बार अभ्यास कर लिया तो फिर पुरुष कोई मुश्किल नहीं कुरुता होगी। तो अब हम मध्यम पुरुष देखते हैं, तो मध्यम पुरुष में त्वम, किसी को ध्यान है? त्वम हाँ तो करोषि, करोस करोसी ये हमने शायद कल कहीं पे उपयोग भी किया था, त्वम करोषि, ये पुलिंग के लिए तुम का जो उपयोग है इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता नहीं, तुम मतलब तुम, आप जो भी सामने हैं जी तो उसमें अस्तु स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। कुरुता युवाम पुरुथः, तो ये विसर्ग जो है बिल्कुल अलग से उच्चारण सुनाई आना चाहिए, युवाम पुरुथः, क्योंकि अगला जो है यूयम 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 पुरुथः, यूयम तो अब अगला जो है कुरुथ, इसमें थ कुरुता पे हम धीरे से हर रुक है जाते हैं, और कुरुथह जो है युवाम के साथ उसमें ह अलग से सुनाई आता है, तो कुरुता बोलने की जगह हम कुरुत नहीं बोलेंगे नहीं कुरुत बोल कुरुता देंगे तो वो संस्कृत अशुद्ध हो जाएगी, जैसे राम कृष्ण, तो ये जो कृष्ण के अंत में अ जो थोड़ा सा एक ध्वनि है ना वो, उससे शुद्धता होती है, कृपा तो महाभारत रामायण, लास्ट का साउंड आना चाहिए हाँ थोड़ी सी एक ध्वनि है, तभी उसी के कारण तो अंग्रेजों ने बहुत गड़बड़ियां कर दी है, जब अंग्रेजों ने हमारे ये सब पढ़े तो उनने रामा कृष्णा वो जो अ का जो ध्वनि है अंत में, उन्होंने राम की जगह रामा, क्योंकि अंग्रेजी में लिमिटेड है वो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, तो उन्होंने रामा कृष्णा इस तरह से लिख दिया, और बाद में जिन लोगों ने उनको पढ़ के समझा तो फिर लोग रामा कृष्णा महाभारता रामायणा ऐसे बोलने लगे, जो कि काफी मतलब वो थोड़ा सा अशुद्ध है, आज जो है उतना लंबा नहीं बोलने की जरूरत है, थोड़ा सा बोलेंगे तो काफी है, रामायण महाभारत लक्ष्मण, ठीक है। तो अब हम ने मध्यम पुरुष देख लिया है, अब हम उत्तम पुरुष देखते हैं, तो चलिए वयम अब तो आप लोग बता पाएंगे मेरे ख्याल से, अहम वयम करोमि, और अहम करोमि आबाम कुर्बा वयम कुर्मा करोमि आवाम, गुरु का क्या रूप होगा यहाँ पे? कुर्बा ये आवाम जो लिखा है आवा और लास्ट में म के ऊपर भी तो म के नीचे हलन्त डाल के भी तो होता
अभी नहीं हो सकता, उसका एक अलग नियम है, मैं बताता हूँ, एक मिनट में बताता हूँ, बस हम इसको पूरा कर लें इस पंक्ति को। तो अहम क्योंकि मैंने करोमि, वही पढ़ा हुआ था तो याद आया। हाँ, तो आपने क्योंकि सिर्फ उसके जैसे जो एक तालिका बनती है ना जिसमें सिर्फ उतने ही लिखा रहता है अहम आवाम वयम, तो वो देखा होगा, तो उसमें म के साथ हलंत में लिखा रहता है, वो भी सही है, ये भी सही है। कब किसका उपयोग करना है उसका नियम है, वो मैं बताता हूँ एक मिनट में। तो हम पहले सीख इसको लिए सर पूरा अब। कर लेते हैं। तो अहम करोमि आवाम कुर्वह वयम कुर्मः। वयम कुर्मः। राधिका महोदया, आपको याद है वो नियम क्या है, कहाँ पे बिंदी लग अनुस्वार लगता है और कहाँ पे म लिखते हैं? मिश्रा जी को तो पता है इसलिए मैं पहले उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, यदि राधिका जी को नहीं है तो। आधा हाँ म, आधा म जब होता है तो वो बिंदी लगती है, मम मम, तो बिंदी लगती मम, है, मम ममा नहीं, ममा नहीं, मम बोले तो आधा म, बेसिकली जब आधा म है आवाम तो जो है वो आधा है, आवाम नास्तु नास्तु, ठीक है, आवा अभी ये नियम थोड़ा लंबा है तो हम इसको और अच्छे से समझते हैं। जब ये भी तो हमेशा मेरे कंफ्यूजन का विषय है, बिंदी न के लिए लगता है या म के लिए। जैसे हम शब्द बोले नपुंसक तो उसमें न के लिए बिंदी लगती है, और जैसे हम बोले चंपी तो उसमें म के लिए बिंदी लगती है। वो अलग नियम है, उसको भी मैं बताऊंगा, वो आप एक मिनट बाद पूछिएगा, पहले हम इसको चर्चा कर लेते हैं। जी तो जब भी किसी शब्द के अंत में हमको ये म की ध्वनि लगानी है, जैसे वयम है, आवाम है, युवाम है, युयम है। अहम तो बहुत ही अधिक उपयोग होता है, तो म की ध्वनि तब लग दोनों बराबर हैं, चाहे आप अनुस्वार लगाइए चाहे म लिखें, उपयोग में बराबर हैं, लेकिन कब किसका उपयोग होगा वो अगले शब्द के व्यंजन और स्वर होने पे निर्भर करता है। यदि अगला शब्द व्यंजन से शुरू हो रहा है तो आपको बिंदी लगानी है, तब अनुस्वार का उपयोग होगा, ठीक है? बाकी हर स्थिति में म ही आएगा, यदि अगला शब्द व्यंजन है तब अनुस्वार आएगा। हम अत्र पठामि, अत्र आ गया इसलिए अहंक माँ हलंत हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब हम अहम पठामि जब कर रहे हैं, व्यंजन नहीं है, तब वो लिखते वक्त म के नीचे वो आधा लाइन डालते हैं ना, तो ताकि वो नहीं पूरा म अभी नहीं देखो, है, सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ, म। देखो देखो आप यहाँ पे देखो, अहम पठामी, तो प पठामी जो है, प क्या है, प स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है हाँ, शायद, तो मुझे पवन वो व्यंजन है ऐसा। इसलिए यहाँ पे हाँ अनुस्वार आया, ठीक है? अच्छा, हाँ लेकिन अब आप ये देखो, हम अत्र पठामी, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, ठीक है? यदि हम इस तरह से बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो अब अत्र क्या हलंत है, होगा, स्वर है, स्वर हो गया। मतलब शुरुआत जो पहला अक्षर है वो स्वर है हाँ ना। हाँ हाँ, तो सिर्फ इसी, यदि ऐसा है तब ये म पूरा लिखा जाएगा, तब अनुस्वार नहीं लगता। और किसी शब्द किसी वाक्य के अंत में यदि ये बिंदी वाला या म वाला ये आ रहा है तब भी म ही होगा। तो हाँ, अधिकतर यही उपयोग होता है, ये वाला सिर्फ तब उपयोग होता है जब अगला शब्द व्यंजन से शुरू हो रहा हो, और वो भी बहुत कॉमन है, वो भी बहुत आपको देखने मिलता है। तो इसलिए लिखने के समय, सिर्फ ये शुद्धता लिखने के समय की है, तो लिखने के समय हमको देख लेना होता है कि अगला शब्द कौन सा है, उसके अनुसार फिर हम अनुस्वार या फिर म दोनों में से एक लिख देते हैं, क्योंकि बोलने में तो दोनों एक जैसे हैं, तो बोलने में आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं कि अगला व्यंजन है कि स्वर है। लेकिन तो अब यहाँ हाँ बोलिए। हाँ मुझे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। हम तो बिंदी भी लगा सकते हैं,
और म की मात्रा डाल के फिर आधा वो ये भी कर सकते हैं ना, नीचे एक लाइन हलंत, जो आता है हलंत उसको हलंत बोलते हलंत, हैं। हाँ हलंत बोलते हैं। हलंत डालने से भी वही सेम हम ही रहेगा ना, बिंदी के साथ जैसे है वैसे ही, दोनों एक ही दोनों है। का मीनिंग एक अभी है, बट तो वो मैंने जहां इसी का पर तो व्यंजन। हम नियम बता रहे हैं ना कि यदि अगला अक्षर व्यंजन है, अगले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन है, सिर्फ तभी बिंदी लगेगी। नहीं यदि नहीं मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो आपने नीचे अत्र के साथ लगाया है वो पूरा म है, हाँ अहम। हाँ लेकिन मैं पूछ रही थी कि ये अहम जो पूरा लिखा है उसके बदले आधा म जब लिखते हैं ना, आधा आधा हो, आधा म नहीं तो होगा, गलत आधा म होगा। ही तो है वो। अहम म के नीचे हलंत अहम लगा जब हुआ है ना, ये हलंत नहीं, नहीं। नीचे सर वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं ह को पूर्ण रख के म को आधा करके हलंत लगाएंगे, ऐसा नहीं ना होगा। ना 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 नहीं, ना वो ना, नहीं बोल रहे नीचे हैं, सर वो नीचे जो लाइन आता है म लगी है वो, के दिख रही है। नीचे थोड़ी लगा है आंखें ना खोलिए, साहब। चश्मा हाँ लगाइए। अहम सारने लगाए हैं। नहीं, ये लाइन म को नहीं छू रहा है ना, अच्छा जनरली वो वो छू कैसे। नहीं, ओके नहीं नीचे आना थोड़ा चाहिए, सा वो दूरी रखते हैं हम, ताकि सीधा वो हो अलग गया, से वो पता चले। जैसे किम भी पैरेलल हो हम, गया। किम भी उपयोग करते हैं ना बहुत बार, किम, तो हाँ किम, हलंत को थोड़ा सा दूर रखते हैं, बहुत पास में रहता है, ओके बहुत ज्यादा दूर नहीं रहता, बट बिल्कुल एक जरा सा गैप रहता है बीच में। ओके किम। मिला देंगे तो वो ऊ की मात्रा लगने लगेगी। यदि आपने मिला हाँ दिया तो ये भी ऊ हाँ की मात्रा दिखने लगेगी, बड़ी ऊ की दिखने लगी। मात्रा, हाँ तो वो हाँ गड़बड़ हो हाँ जाएगा। हाँ तो ओके वो इसलिए महोदया अंतर है मरणम उसमें। करोति बा, किम फिर से बताइएगा किम किम किम। राधिका हाँ महोदया स्मरणम करोति बा, करोमी। सर ये इज द सेंटेंसेस करेक्ट? हाँ स्मरणम करोति वाह, ठीक है। बा लेकिन ना आप देखिए, करोमी, हर अदर यू आर रिमेम्बरिंग और नॉट, वाह का क्या मतलब है? अहम करोमी, वाह यस मतलब किसी भी वाक्य के अंत में हमने वाह लगा दिया तो उससे प्रश्न बन जाता है। तो जैसे ओके मैं बोलना है श्वेता हैदराबाद नगरे वसती, तो ये एक स्टेटमेंट है जो कह रहा है कि श्वेता हैदराबाद नगर में रहती है। जी लेकिन यदि मैंने बोला श्वेता हैदराबाद नगरे वसती वाह, तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि श्वेता हैदराबाद नगर में रहती है क्या, तो हम इज ए डाउट, यस और नो? अस्तु अस्तु तो अब हमने यहाँ पे एक अत्र, एक नया शब्द देख ही लिया है, तो उसके थोड़े रूप भी यहीं पे देख लेते हैं। उसी के रूप नहीं है पर उसके मिलते जुलते शब्द हैं। अत्र यहाँ हियर, सर, ये अभी श्वेता महोदय ने आंसर दिए हैं कि हैदराबाद नगर में बसतु बा, वो बोले अस्तु, अस्तु नहीं होगा ठीक अस्तु ठीक है ना, ठीक है बोल रही है वो, ठीक है ठीक है। नहीं, हाँ करना है ना, अब उनको क्या करना है वो आप थोड़ी ना बताएंगे, वो जो करना चाहती है कर सकते नहीं हैं। नहीं नहीं श्वेता मैं महोदय, समझ में आया इसलिए बोली ठीक है अस्तु। अस्तु हाँ बोल अस्तु सकते हैं, मतलब चलेगा। आपने ठीक ही बोला, लेकिन अगर आप बोलेंगे हाँ मैं हैदराबाद में बसतु, मतलब आई एम स्टेइंग इन हैदराबाद, आम यस यस आम सब करेंगे आम तो बोलेंगे। आम, हाँ आप जो बोल रहे हो मतलब ठीक है ये बोला कि यदि वो सही में ये हाँ बोला बोलना आपने। चाहती तो वो आम कहेंगी, लेकिन अभी वो सिर्फ यार इतना मैं कह क्यों रही कि पूछा, अस्तु। मैं कंफ्यूज हो गया, अच्छा मेरे को आम याद नहीं आया करके मैंने पूछा। अच्छा अच्छा ठीक है, वो उपयोग के अनुसार है। जब हम उपयोग करते हैं तो हम अस्तु भी बोल सकते हैं, आम भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हम क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है बोलना है तो अस्तु अस्तु, हाँ हाँ बोलना है तो आम आम, ठीक है। चलिए तो अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, देर। तो अब हम इसको ना थोड़ा इशारों के साथ सीखते हैं, क्योंकि ये इशारों के साथ करना भी आसान हो जाता है। चलिए सब, अब लोग अपने अपने वीडियो चला लीजिए 1 मिनट के लिए।
ताकि हम इसको एक साथ करते हैं। मिश्रा जी दिख गए। क्योंकि इशारे करने हैं तो हमको अपने इशारे जो है ना पक्के दिखेंगे तो समझ में आएगा। अरे राधिका जी भी दिख गई। अच्छा, वीडियो ऑन करना है। हाँ देखिए ना, सब सब आपको दर्शन दे रहे हैं, बस आप ही बची हैं। नहीं, हमने सर सिर्फ आप ही को देख पा अच्छा, रहे हैं, हम दूसरों को देख नहीं पा रहे। तो आप यदि मोबाइल पे हैं तो आपको एक वहां पे लेआउट करके ऑप्शन रहता है, उस में देखिए तो ग्रिड जैसा एक डिस्प्ले करता है। क्योंकि मैं तो कंप्यूटर पे हूँ तो मुझे तो सब के सब दिख रहे हैं, और आप में से जो भी कंप्यूटर पे होगा उसको अपने आप दिखेंगे सब। हमें यहाँ पर सिर्फ अपना ही दिख रहा है, मतलब सिर्फ आपका ही दिख रहा है। हमको जो बोलेगा वही दिख रहा है। अच्छा नहीं, हाँ, तो वो एक व्यू है, व्यू की सेटिंग्स में होता है कि जो बोले वो दिखे, या फिर एक वो ग्रिड लेआउट करके ऑप्शन है, तो ग्रिड यदि सिलेक्ट करेंगे आप तो फिर सारे के सारे दिखेंगे एक ही बार में। मीटिंग सेटिंग्स में जा करके थोड़ा हमें। सेटिंग्स डिस्प्ले में कहीं पे होता है वो, जिधर पे आपको साइड में, वीडियो राइट दिख रहा है साइड ना उसी में राइट में ऊपर कहीं दिखता है वो, राइट ग्रिड साइड में दिखाना रखना। है कि क्या दिखाना है, ऐसे ऑप्शन रहता है। पता नहीं, अभी तो हुआ नहीं। ठीक है, पर वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप मुझे देख पा रहे हैं तो अभी के लिए उतना बहुत है, क्योंकि आपके इशारे बस मैं देखना चाहता हूँ, और जब आप बोलेंगे तो मुझे दिख जाएगा, इसलिए बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। आप लोग एक दूसरे को देख पाए वो भी हो जाता तो और अच्छा होता। वो ग्रिड ग्रिड सिलेक्ट कर लीजिए कहीं पे लेआउट में, तो वो भी हो जाएगा, नहीं तो हम चालू तो करते हैं अभी के लिए। 1 मिनट, और ये हमारा आखिरी, आज का आखिरी अभ्यास होगा क्योंकि 5 बज गया है। तो अत्र पुस्तकम् अस्ति, कितना आपको समझ रहे हैं? ज्ञातं वा, हाँ, ज्ञातं वा जैसे ही मैंने पूछा मतलब समझा गया, तो आप आम बोल सकते हैं। अत्र पुस्तकम् अस्ति, तत्र द्वारम द्वारम् अस्ति, अस्ति। ठीक है, तो तत्र अत्र ये मेरे पास में है इसलिए अत्र, वो दूर है तो तत्र। चलिए, तो अब आप कुछ कुछ चीजें दिखा के बताइए। आप पुस्तक भी ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, अपना चश्मा ले अत्र सकते हैं। क्या पूछेंगे? आप पूछना चाहती हैं कि बताना चाहती हैं? यदि पूछना चाहती है अत्र तो सबसे अच्छा है, क्योंकि कलम अस्ति, हाँ अत्र कलम अस्ति। हाँ अत्र कलम, अस्तु अस्तु। तत्र तत्र किम अस्ति अत्र श्वेता महोदया? कलम थोड़ा दूर वाली कोई भी चीज दिखा दीजिए, यदि कुछ है आजू बाजू पीछे, आपके पीछे दरवाजे को क्या द्वार। बोलेंगे? हाँ ओके, तत्र द्वारा अस्ति। उत्तमम्। तव पृष्ठतः जवनिका अपि अस्ति, आपके पीछे तव पृष्ठतः, पृष्ठतः पुरतः, यवनिका जवनिका या स्क्रीन यवनिका दोनों, आप स्क्रीन हो या पर्दा पर्दा, पर्दा मुझे एक पर्दा जैसा लग रहा है तो इसलिए मैं पर्दा बोला। पर्दा यहाँ पे लिख भी देते हैं हम, क्योंकि उसको कई बार उपयोग करते हैं, पर्दे जवनिका। को भी यवनिका बोलते हैं। हाँ यवनिका ये जवनिका आपको पटे। जैसे नाटक होते हैं ना बच्चों, जी, उसमें भी यवनिका उपयोग होता है, जवनिका या यवनिका दोनों चलेगा। पर्दा, अस्तु। स्क्रीन। अब ऑनलाइन के सिस्टम में इसलिए मेरा स्क्रीन भी जवनिका बन गया है,
नहीं तो वैसे तो जवानी का असली में पर्दा ही होता है, मतलब प्रॉपर पर्दा जो कपड़े का पर्दा होता है। अच्छा, जो नाट्य वगैरह में इस्तेमाल होता है वो, या घर का पर्दा भी? कोई भी पर्दा, कोई भी ठीक पर्दा जो पर्दा हम बने। चीजों को ढकने के लिए उपयोग करते हैं, वैसा कोई भी पर्दा, फिर वो नाटक जवनी का वाला भी गिर हो गया, पर्दा गिर गया, पतती। जवनी का पतती। ठीक है, तो अत्र पतती तत्र आपने सीख लिया ना, पतती हम बाद में सीखेंगे, पतती हाँ, मतलब गिरना तो पतती के लिए, या पतन गिरता होना, पत है, पत जैसे पठती करोती वैसे ही पतती, गिरता है या गिरती है। चलिए तो अभी अगली बार करते हैं, अभी पांच पंचवादनम पंचवादन अस्ति, दादी का महोदया कक्षा अत्र भवति समाप्तं करोमि। भवति भवति हस्ते किम्? नहीं समझ रही है, आप क्या पूछ पुनः रहे थे? पुनः पृच्छतु पृच्छतु पुनः पृच्छ पुनः पृच्छतु। जो है, यहां मैं लिख रहा हूं, ये देख लीजिए, पृच्छ जो है पूछना, पूछना, पूछा। और पृच्छतु यदि किसी भी क्रिया के अंत में यदि हम तु लगा दें तो वो निवेदन के साथ हो जाता है, जैसे करोतु, पठतु, लिखतु, वदतु, तो लिखिए पढ़िए जो हम बोलते हैं ना निवेदन के साथ, तो वो अंत में तू लगा दिया तो हो जाता है पृच्छतु। पृच्छतु पृच्छतु। राधिका महोदया, तत्र भवत्या हस्ते किम् अस्तु? तत्र भवतः हस्ते, अच्छा भवतः आपका हस्त क्या हस्ते, है? भवतः हस्ते राधिका महोदय, हस्ते हस्ते भवतः हस्ते, पेन पकड़े हैं। लेखनी हाँ, पेन, लेखनी, लेखनी, लेखनी। मम हस्ते लेखनी अस्तु। मम लेखनी हस्तु, अस्तु नहीं है मम अस्त, हस्तु लेखनी, मम हस्तु लेखनी एक मिनट एक मिनट, मम हस्ते लेखनी जैसे उन्होंने पूछा था, मम जैसे आपने हस्ते। बोला था ना दिल्ली नगरे, तो नगर में, तो वैसे ही हस्ते। हाँ, मम हस्ते लेखन लेखनी के लिए क्या? लेखनी, हाँ लेखनी अस्मि, अस्ति अस्तु अस्ति अस्ति क्योंकि अभी आप बात कर रही हैं लेखनी की, इसलिए वो अस्ति है, यदि आप अस्ति अहम है। वाली ओके, कोई तो बात कर रही होती तब अस्मि आता, अस्मि होता है। हाँ जैसे मुझे अस्ति, बोलना है मैं लेखनी हूं तब मैं बोलता कि अहम लेखनी अस्मि, यदि मैं ही हाँ लेखनी हूं। ऑटोबायोग्राफी हो गया। मम हस्ते हस्ते लेखनी लेखनी अस्ति अस्ति अस्ति, अस्ति। उत्तम। तो उनको पूरा बोल देने दीजिए मिश्रा जी, एक बार में पूरा बोल देने दीजिए। ठीक है, एक बार बोलिए। श्वेता महोदय बोलिए, सॉरी श्वेता महोदय, राधिका श्वेता महोदय महोदया तो बोलिए, मैं बोल चुप चुकी रहता हैं, हूँ। वो अपनी कलम के बारे में बता मम चुकी हैं। हस्ते लेखनी अस्ति, उत्तमम मम हस्ते उत्तमम लेखनी अस्ति, हाँ, उत्तमम अभी अति प्रश्न पृच्छे उत्तमम। तू राधिका महोदया, मिश्रा जी से पूछिए अब। हाँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फॉर्म बिहाइंड बोलने के लिए क्या कहा था आपने? पृष्ठतः पीछे, पृष्ठतः पृष्ठतः। पृष्ठतः मिश्रा महोदय, भवते भवते ही होता है ना आपके पृष्ठ, भवतः भवतः भवतः। नाम जैसे पूछा था ना आपने, तो हाँ हम आपका, भवतः पृष्ठ, पृष्ठतः ये लिखा है स्क्रीन पृष्ठ पे, देखिए आप देख लीजिए एक नहीं। बार, अच्छा स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ पृष्ठतः, पीछे हाँ, बिहाइंड, कहाँ पे लिखा है? स्क्रीन में मैं यहाँ लेफ्ट में नीचे वामतः हाँ, पृष्ठतः दिख रहा है, पुश्चतः वही है ना, पुश्चतः। पृष्ठतः। हाँ
पृष्ठतः किम अस्ति मम पृष्ठतः कुक्कुरः अस्ति परंतु अहम तव पृष्ठतः जवनिका पृष्ठामि हाँ नहीं मैंने एक न्याय वर्ड यूज किया सर कल बताए थे हाँ कुकुरा कुकुरा डॉग कुत्ता और इसी से मिलता जुलता एक शब्द है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ फिर हम कक्षा समाप्त करेंगे कुकुटा ये क्या होता है कुकुटा हेन मुर्गा हाँ, हाँ, मुर्गा या मुर्गी बट मैं पुनः श्वेता महोदय से सहमत हूँ एक्चुअली वीकली ट्वाइस होने से थोड़ा गैप भी हो जाता है और ज्यादा दिन लगेगा पढ़ने में दिन तो जितने लगेंगे वो लगेंगे हम लोग कोई सिर्फ एक महीने के लिए साथ में होता है नहीं ये नहीं, तो जीवन सर, वो भर मैं चलने नहीं वाला बोल है रहा हूँ सर ये जीवन भर चले सर लेकिन कि ना जो बेसिक चीज है ना सर उधर जल्दी आ जाएगा तो हम एडवांस भी आगे आगे चलेंगे इतना हो पर जाए हर कि किसी फिर को हम समय भी लोग तो होना चाहिए लगे हाँ हाँ नहीं मेरे पास सर एक आठ आठ बजे से वी कैन डू एवरी डे और 5 days इन ए वीक 8 से 9 इवनिंग क्योंकि थोड़ा ऑफिस वफिस खत्म हो जाएगा आठ फ्रेश होके बजे पूजा 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 करके कर सकते 8 बजे अगर एवरीबॉडी 5-6 लोग राजी होगा तो बाकियों हो को सकता है भी उसमें मानना पड़ेगा नहीं हाउसवाइफ तो नहीं हाउसवाइफ तो नहीं हो सकते क्योंकि दैट बहुत टाइम लोगों को रात में फिर घर के काम चालू हो जाते हैं खाना किचन विचन तो रसोई घर का पाकशाला बट 7 बजे थोड़ा सा अर्ली हो जाता है हमारे लिए जैसे आपने ट्यूसडे थर्सडे बोला है 7 बजे कभी कभी आ भी नहीं सकते ऑफिस आते आते पहुंचते बंद 7 हो जाएगा अदरवाइज 4 days होता तो थोड़ा पाकशाला इवन बेटर चलिए तो एक अभी टाइम दो टाइम सबसे अच्छे होते हैं या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट हाँ फ्री होते हैं हाँ हाँ अर्ली इवनिंग लेट बेटर उत्तमम पाकशाला अर्ली मॉर्निंग बेटर अभी एक शब्द नया निकला है जो अभी अभी हमने उपयोग किया है तो यहाँ पे मैं उसका भी लिख देता हूँ पाकशाला संस्कृत में रसोई घर जो है उसी को पाकशाला कहते हैं अच्छा या पाक गृह भी कहते हैं तो दोनों चलता है और आगे के हम और आगे बाद में देखेंगे इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि सर्वेषां नमो नमः सर्वेषां नमो नमः पुनः मिलामः सर्वेषां पुनर्मिलामः नमो नमः पुनर्मिलामः शुभरात्रि 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 शुभरात्रि